आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज पे। मैं हूं सचिन और आज इस वीडियो सेशन में गाइस हम आपको बताने वाले हैं BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। तो गाइस आज का ये वीडियो सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपना कैरियर एज एक एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, या तो एक फाइन आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या तो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, या एक अच्छा पेंटर बनना चाहते हैं, या तो एक फोटोग्राफर या तो राइटर। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गाइज एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स को करके अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप क्यू, क्योंकि आज मैं BFA से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि BFA के कोर्स के थ्रू आप कौन इसका क्या कैरियर स्कोप है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसका एकेडमिक सेशन कैसा होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, इन सारी चीज़ों को गाइस आज की इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार एजुकेशन हुआ, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स हुआ, इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। तो गाइज अगर BFA की बात करें गाइज ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, 3 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है। इसके साथ साथ गाइज इसमें एक कोर्स और रिफर किया है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, इसके थ्रू आप एक पेंटिंग कर सकते हैं, इसमें स्कल्पचर होता है, फोटोग्राफी होता है, लिटरेचर होता है और एनिमेशन होता है। अगर हम BFA की बात करें गाइज तो आज के ट्रेंड में, आज के मॉडर्न एरा में, आज की इस एरा में गाइज BFA का बहुत ही ट्रेंड है। इसमें बहुत सारे गाइज सेक्टर्स होते हैं यानी कि स्ट्रीम्स होते हैं जहाँ पे आप इसके चूज करके इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। गाइज आज का ये BFA कोर्स है गाइज, इसमें आप पैसे के साथ साथ गाइज आप धन दौलत शोहरत सारी चीज़ों को आप अचीव कर सकते हो। इसमें जनरली अगर आप इस कोर्सेज को गाइज करते हो तो एक अच्छा आप एक्टर बन सकते हो, एक फाइन आर्टिस्ट बन सकते हो, इसके साथ साथ एक आर्ट टीचर बन सकते हो, आर्ट डायरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज आज जनरली हम देख रहे हैं जितने बॉलीवुड या हॉलीवुड में जितने भी नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, नए नए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, आर्ट डिज़ाइनर आ रहे हैं, तो गाइज ये सारे लोग गाइज यही BFA यानी कि बैचलर ऑफ फैशन आर्ट्स करके ही गए हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है इन सारी चीज़ों में तो गाइज आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम आपको बताते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि BFA के लिए अगर आप BFA करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो गाइज आप 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ऐसा नहीं कि आप अगर साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम्स हैं आप बस आपका 12th पास आउट होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस है गाइज जो कि 50 से 60% मिनिमम 12th में मांगते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम कॉलेजेस हैं। इसके साथ साथ गाइज अगर आप आर्ट या ह्यूमैनिटीज से हैं, किसी भी आप स्ट्रीम से हैं, तो आप BFA कोर्स को गाइज परस्यू कर सकते हैं। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल गाइज। अगर आप BFA कर रहे हैं तो गाइज आपके अंदर कुछ ना कुछ तो स्किल होना बहुत ही कंपलसरी, जैसे कि स्केचिंग स्किल्स होना चाहिए, विजुअलाइजेशन स्किल्स होना चाहिए, एक आर्टिस्टिक स्किल्स होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास ड्राइंग स्किल्स होना चाहिए, मैग्नेटिव स्किल्स होना चाहिए, एक प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। अगर हम कोर्स करिकुलम की बात करें गाइस, इसमें जनरली आपको पेंटिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक आर्ट सीखा हुआ, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ड्रामा थिएटर, कैलीग्राफी, डांस, इलस्ट्रेशन, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट्स, पोएट्री, म्यूजिक, डिजिटल आर्ट्स, कार्टूनिंग, इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटोग्राफी और स्कल्पचर्स के बारे में बताया जाता है। BFA के थियरी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जनरली आपके मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हुआ, पंजाबी हुआ, हेल्थ एजुकेशन हुआ, हिंदी हुआ, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी देखिए तो जियोमेट्री हुआ, पर्सपेक्टिव हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी इसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अगर गाइज हम इसके जॉब प्रोफाइल्स की बात करें गाइज, तो इसके थ्रू आप एक आर्ट टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे फाइन आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक एक्टर हुआ, एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर, राइटर, पेंटर, ग्राफिक डिजाइनर, इसके साथ साथ एक एनिमेटर हुआ, आर्ट कन्वर्टर हुआ, इसके साथ साथ आप जैसे फोटोग्राफर, म्यूजिशियन, तो ये सारी चीज़ें गाइज आप BFA कोर्स के बाद गाइज कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के भी शेयर करिएगा। गाइज अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।